तो फाइनली दोस्तों आज आपके सामने मैं फिर से आ गया हूं अपना वो वीडियो लेकर जिस पर आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं। और पहले तो धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने इतना प्यार दिया हमारे इस वीडियो को। और इसी वीडियो के चलते जितने भी कमेंट आए, लोगों ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका आंसर देने के लिए मैं 1 अगस्त को, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपके एक एक कमेंट का मैं देने वाला हूं जवाब। आप लोगों ने जो इतने कमेंट किए हैं, सच में भाई साहब इतने कमेंट तो आप लोगों के करने की वजह से ही आज मैं फिर से फाइनली इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट पॉजिटिव हैं और कुछ लोगों के कमेंट निगेटिव भी हैं, तो आज मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट का पूरा जवाब दूंगा अपने इस वीडियो में। तो समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था स्टैग बीटल को लेकर, जिसपे आप लोगों का प्यार बहुत ही ज्यादा मिला और उसमें कमेंट भी बहुत ही ज्यादा है। इसी बात पर कुछ ऐसे कमेंट थे जो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के मन में जो भ्रम है उसको मिटा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों उसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था और आप ही नहीं, कई लोगों ने ये कहा था कि भाई वीडियो तो बना दिया लेकिन इसे बेचे कहाँ, हाउ टू सेल स्टैग बीटल, इस कीड़े को बेचा कहाँ जाए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जवाब देना चाहता हूँ जो कमेंट में लिखे थे फेक वीडियो। दोस्तों ये फेक वीडियो नहीं था, ये रियल वीडियो है, आप इसे जाकर चेक भी कर सकते हैं। कई वेबसाइट पर ये लिखा भी हुआ है कि ये कीड़ा कितना कीमती है। इसका कीमती होने का सबसे बड़ी वजह थी कि इससे कई प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टैग बीटल की जितनी भी प्रजातियां हैं, और इतनी प्रजातियों में कुछ रेयर ही ऐसी प्रजातियां हैं जिसकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन आप लोग को लग रहा था कि स्टैग बीटल को बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए, कैसे बेचा जाए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी स्टैग बीटल को पूरी तरीके से एकदम से सही होना चाहिए, कहीं से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो भाई अब बात करते हैं आपके उस कमेंट का जिससे मेरा पूरा कमेंट बॉक्स ही फुल था, भरा हुआ था। वो था हाउ टू सेल, इसे कैसे बेचें। तो दोस्तों इसको बेचने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि याहू जापान का कहना है कि 4000 प्रजातियों में स्टैग बीटल की कुछ ऐसी रेयर ही प्रजातियां हैं जो बेची जा सकती थी, लेकिन अब उस पे ऑक्शन साइट पर बैन लगा दिया। दोस्तों स्टैग बीटल की कुछ प्रजातियों के साथ ही 4000 नए कीड़ों की प्रजातियों को भी इस पर बैन कर दिया गया, जिसमें ओमुरा साकी तितली भी शामिल है जो कि दुनिया की सबसे महंगी तितली है। स्टैग बीटल के साथ कुछ अन्य प्रजातियों के ज्यादा सेल होने की वजह से ये प्रजातियां संकट में आ गई थी, विलुप्त की स्थिति में पहुंच गई थी और इनका संरक्षण करने के लिए ये कदम उठाया गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था करोड़पति वाला, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन था आपको बताने के लिए कि ये कीड़ा कितना बेशकीमती है। ये है कि कुछ वेबसाइट ऐसा काम करती थी लेकिन आज वो वेबसाइट, उस पर बैन लग चुका है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ना कि सेल। तो आप लोगों का सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो आया था कि इसको कहाँ सेल करूँ, तो इसके बारे में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। दोस्त फिलहाल इस स्टैग बीटल पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है और सिर्फ इंडिया नहीं, कई देशों में भी इस पर बैन लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको देता हूँ वो फेक नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरे। आई होप दोस्तों आपके सारे कमेंट के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए फिर से थैंक्स और बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।